हेलो बच्चो अ वेलकम बैक टू द नीट ब्रीफर बैच विद्यापीठ पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है मैं सागर वर केमिस्ट्री का एक और शानदार चैप्टर छोटा चैप्टर लेकर आया हूं एमाइंस एक बार बता दो मेरी आवाज सही आ रही है वीडियो दिखाई सही से दे रही है कि नहीं क्या आप लोग जिंदा हो अ वेरी गुड आफ्टरनून निखिल अंजू चलो फिर शुरू करते हैं फटाफट पहले हम लोग एक इस चैप्टर की समरी कर लेते हैं समरी में क्या क्या आता है ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो नाइट्रोकम्पाउंड यहां पर जब आप एनओ टू का रिडक्शन करोगे रिडक्शन बोले तो ऑक्सीजन का लॉस होना हाइड्रोजन का गेन हो जाना तो चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलाइकाइल हो दोनों में ही अगर आप कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं यानी कि एच टू निकले प्लेटिनम प्लेडियम तो आपको आर एन एच टू मिल जाएगा O2 की जगह H2 आ जाएगा चाहे वो एल्काइल वाला ले लो चाहे वो आप एरोमेटिक वाला ले लो, इट हार्डली मैटर्स और भी कुछ रिएजेंट्स ले सकते हैं क्या सर जैसे आपने कहा कि कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ले लो और हमने देखा है कि अक्सर रिडक्शन में कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का ही काम होता है लेकिन इसके अलावा और भी किसी में इंफेसिस कर रहा है तो एनसीआर कहती है एस और एफ ये दो भी ले सकते हैं जिसमें एफ ई ज्यादा प्रीफर्ड किया जाता है उसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि एफ प्लस एस का जब हाइड्रोलिस रिएक्शन करेंगे तो एस सी एल होता है तो इनिशिएशन के दौरान एस सी एसिड कम रिक्वायर्ड होती है एस एन और एस सी में ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप एफ एस सी एल इज मोर प्रेफर्ड ये आप मान सकते हैं फिर से यहां पर रिडक्शन होगा कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा जैसे सी एस थ्री सी एस टू है नो टू है सी एच थ्री सी एच टू तो, तो रहेगा ही रहेगा जैसा है वैसा ही रहेगा ओ टू की जगह क्या आ जाएगा बच्चों NH2 टू आ जाएगा तो देख पा रहे हो कि किस तरह से नाइट्रोकवा आप लोगों ने एसिड या कैटलेटिक हाइड्रोजनेशन कह लो या एस एन एस सी या फी एस सी कह लो आपने रिडक्शन करके एन एच टू बना दिया और देखो एल आई एल एच फोर और एन ए बी एच फोर ये रिड्यूसिंग एजेंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने अभी एल uh, डी एड कीटोन्स में भी देखा एल्कोहल फिनोल लिथर्स में भी देखा एम में भी यहां पर ये एनओ टू ग्रुप को आराम से रिड्यूस कर पा रहा है एनएच टू में यहां पर ये एक आता है एक्सेप्शनल केस अगर आप नाइट्रोबेंजीन ले रहे हो गौर से देखना ये क्या है ये नाइट्रोबेंजीन है नाइट्रोबेन्जीन का अगर आप एलाइल एच फोर के साथ रिएक्शन करते हो तो एनेलिन नहीं बनेगा यहां पर एजो कंपाउंड बन जाते हैं यहाँ पे क्या बन जाता है एजो कंपाउंड बस ये चीज आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी थी दिस इज द एक्सेप्शनल केस क्लियर इनऑर्गेनिक कौन पढ़ाएंगे अमन अंकुश कह रहा है आशिमा मैम है और साथ में कौन थे अर्पित भदवाइस सर तो अभी तो बेटा ऑर्गेनिक पढ़ लो तुम दूसरा मेथड आता है हॉफमैन एमोनोलिसिस एमोनोलिसिस का मतलब क्या होता है एमोनिया का आरएक्स पे जब अटैक होगा एल्काइल हैलाइड पे अटैक होगा तो एमोनिया जब अटैक करेगा तो वो आरएक्स वाले मॉलिक्यूल को तोड़ेगा यानी कि एल्काइल हैलाइड को तोड़ेगा तो अमोनिया के प्रेजेंस में टूटना इज एमोनोलिसिस साइंटिस्ट का नाम है हॉफमैन तो हॉफमैन एमोनोलिसिस मेथड प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ सीएक्स बॉन्ड बाय एमोनिया इज कॉल्ड एमोनोलिसिस दिस मेथड गिव्स यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री अमाइनस एंड क्वार्टनरी एमोनियम सॉल्ट जैसे अगर मैं रिएक्शन लिखकर दिखाऊं तो जैसे इसने इस पे अटैक किया अटैक करने पर एक्स माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप ये चला जाएगा पहले हम एक बनाते हैं एक रफ फिगर टाइप का जिसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह से आर एन एच थ्री पॉजिटिव एन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है और ये एक्स माइनस पहले एक तरीके से यहाँ पर एक सॉल्ट बनता है सॉल्ट बनने के बाद फिर से एन एच थ्री अटैक करता है और एन एच थ्री यहां से एच एक्स को ले जाता है किसको लेकर जाता है बेटा एच एक्स को लेकर जाता है तो टोटल एन एच फोर एक्स हटा दो यहां से एन एच फोर एक्स हटा दो तो क्या बच रहा है आर एन एच थ्री एच और एक्स यहां का तो क्या बन रहा है आर, बच रहा है इस NH3 ने क्या किया यहां के एच एक्स को हटा दिया तो ये रहा तुम्हारा वन डिग्री एमाइन लेकिन रिएक्शन यहां नहीं रुकती है फिर से यहां पर आर एन एच टू रिएक्ट करता है फिर से एक आर एक्स के साथ रिएक्शन ये पर अटैक करेगा एक्स ये चला जाएगा इंटरमीडिएट बनेगा पहले आर टू एन प्लस एच टू एक्स एमोनिया का अटैक होगा फिर से यहां से एन एच फोर एक्स निकल जाएगा बेसिकली तुम्हें एच एक्स निकालना है तो क्या बन रहा है आर टू एन एच यह रहा तुम्हारा टू डिग्री एम फिर से ये टू डिग्री एम की रिएक्शन जब तुम आर एक्स के साथ फिर से करोगे ये फिर से अटैक मारेगा ये फिर से निकलेगा यहाँ पर फिर से इंटरमीडिएट बनेगा एच एक्स से फिर, से फिर से निकल जाएगा अब की बन रहा है आर थ्री एन ये रहा तुम्हारा थ्री डिग्री एम आइन आर थ्री एन यानी कि जो थ्री डिग्री एम आइन है ये फिर से तुम्हारा आर एक्स के साथ टकराएगा ये अटैक करेगा आर फोर एन प्लस एक्स माइनस अब फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर एच नहीं है रिमूव करने को इसीलिए सॉल्ट बच रहा है तो आपने देखा कि हॉफब बाय स्टेप एच एक्स एच एक्स हटाते हटाते यू आर गेटिंग द मिक्सचर ऑफ डिग्री एम आइन टू डिग्री एम आइन थ्री डिग्री एम एंड कॉटे एमोनियम सॉल्ट लेकिन सर इसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हमको मान लो वन डिग्री एम चाहिए तो हम सिर्फ वही प्राप्त करें या अगर हमको कॉर्डिनरी अमोनियम सॉल्ट चाहिए तो हम सिर्फ वही प्राप्त करें मतलब तो कुछ रिएक्टेंट्स के बीच का रेशियो पर कुछ खिलवाड़ करके आ, कुछ मेजर माइनर डिसाइड हो सकता है तो सर जरा बताइए इस पर प्रकाश डालिए तो देखो यहाँ पर ये नोट लिखा है इफ एक्सेस ऑफ एमोनिया इज यूज्ड अगर एनएस एक्सेस में लेते हो तो वन डिग्री एम इज द मेजर प्रोडक्ट और अगर एल्काइल हैलाइट ज्यादा लेते हो यानी कि आर बार बार आएगा बार बार रिएक्ट करेगा तो कॉटनरी एमोनियम सॉल्ट इज द मेजर प्रोडक्ट तो ये दो रिएक्शंस हो गई हैं एक हो गया आपका बेटा रिडक्शन ऑफ एन दूसरा क्या हो गया हॉफपेन एमोनोलिसिस इन दो में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ तीसरा मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स या आइजो देखो बेटा जैसा कि मैंने अभी तक तुमको हेलो एल्कोहल एल रिवाइज कराया है वैसे ही कार्यक्रम चलेगा और अगर ये समरी कर ली तो पी वाई क्यू भी आप कैसे हो जाएंगे फर्स्ट टाइम वाले कर सकते हैं अब डिपेंड करता है भाई फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार पढ़ने हो इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं है पढ़ सकते हैं क्यों नहीं पढ़ सकते क्योंकि हम तो भैया शुरू से हर है। फिर है। और अब आता है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड आइजो इसका जब रिडक्शन करते हैं चाहे आप कैटेटिक रिडक्शन करें चाहे आप एल एल के प्रेजेंस में करें तो आर सी एन पे कन्वर्ट हो जाएगा इसके दो बॉन्ड्स टूटेंगे दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा तो बचेगा क्या आर सी एच टू एन एच टू यानी कि वन डिग्री एम आइन तो चाहे एरोमेटिक हो चाहे वो एल्काइल हो आपको वन डिग्री एम आइन मिल जाएगा अब जैसे ये बेंजीन नाइट्राइल है ये बेंजा माइन में कन्वर्ट हो जाएगा सीएच टू एन एच टू मिल जाएगा वन डिग्री एम आइन मिल रहा है लेकिन अगर उसी के बदले बेटा आजो नाइट्राइल आ जाएगा इजो में जब यहां पर बॉन्ड टूटेगा इधर एच आएंगे इधर दो एच आएंगे तो ये देखो क्या बन रहा है CS3, CS2, NH, CH3, CH2, NH, चार हाइड्रोजन आएंगे टोटल तीन इसको एक इसको नाइट्रोजन के बेटा पेंटावेलेंसी होती है और एक लोन पेयर रहता है तो उसके अनुसार हमको नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन देना है ये रहा आपका वन डिग्री एम आइन ये रहा आपका टू डिग्री एम आइन और ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीड में आया है कि नाइट्राइल का रिडक्शन करने पर क्या मिलता है one degree amide, two degree amide, three degree फिर से में आया है कि अगर का करे तो क्या मिलता है वन डिग्री टू डिग्री की थ्री डिग्री याद रखिएगा रिडक्शन ऑफ एमाइड क्या करेंगे हटा दो इसको डबल बॉन्डो हटेगा उसकी जगह दो एच आ जाएंगे दो एच आने पर क्या मिलेगा आर पी एच टू एन एच टू दीज आर of दिपरेशन ऑफ एमाइंस गेब्रियल थैलीमाइड काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अक्सर इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें थैलीमाइड लेते हैं और थैलीमाइड कैसे मिलता है लास्ट एल डी में मैंने आपको बताया था थैलिक एसिड का पहले आप क्या करते हो NH3 थ्री के साथ रिएक्शन करते हो और NH3 के साथ जब रिएक्शन होता है तो आपको सॉल्ट मिलता है फिर पानी निकलता है तो थैलामाइड बनता है और थैलामाइड में अगर आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो NH3 निकलता है और आपको थैलीमाइड मिलता है थैलीमाइड में एल्कोहलिक क्यूएच डालोगे तो ये है एक बेस और ये है एक एसिडिक हाइड्रोजन तो ये H+ प्लस निकाल देगा और सॉल्ट बन जाएगा तो सॉल्ट को हम लोग बना लेते हैं फटाफट

यहां से आप एनलिन नहीं बना सकते ये बात काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछी गई है यहां पर होगा क्या आइए चलिए देखते हैं यहां से के आई निकलेगा एन के साथ आ जाएगा ठीक फिर हाइड्रोलिसिस कर देना जब हाइड्रोलिसिस करोगे एक एच इधर एक ओ एच इधर नीचे एक एच इधर एक ओ एच इधर तुम्हें थेलिक एसिड दोबारा से मिल जा रहा है आपको थेलिक एसिड दोबारा से मिल जा रहा है ठीक है प्लस आर एन एच टू मिल रहा है तो वन डिग्री एमाइन बनाने के लिए गेवरे थेलामाइड सिंथेसिस बहुत तगड़े तरीके से यूज किया जाता है कोई दिक्कत है यहां तक घूम घाम के झंझरते रे छोटे छोटे नैन ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है गाना जहां इंस्टाग्राम खोलो वहां पे यही चल रहा है आगे बढ़ते हैं दिस इज कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन ऑफ डिग्रेडेशन में क्या होता है हैप्पी बर्थडे टू यू एच बी डी इसमें इसका ये सीओ सी ओ कट जाता है तो बचता क्या है आर एन एच टू बाकी फिर बाय प्रोडक्ट्स याद कर रहे हो तो के टू टी ओ थ्री प्लस के बी आर प्लस एच टू ओ ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं लेकिन हाँ मेन चीज़ क्या है आर एन एच टू मिलता है तो वन डिग्री एम आई इन टू वन डिग्री एम बेसिक ऑफ की बात करें ये ऑलरेडी जीओसी में डिस्कशन हो चुका होगा लेकिन वो टू बेसिक इसके तहत जो ऑर्डर आता है वो ये होता है कि जो थ्री डिग्री एम आइन होता है वो ज्यादा बेसिक होता है कंपेरेटिवली टू डिग्री और फिर कंपेरेटिवली वन डिग्री के लेकिन अगर हम एक्वेस की बात करते हैं तो यहां पर हमको टायन की स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है अमोनियम की दो ऑर्डर बनते हैं एक तब जब आर आपका ग्रुप है, तो क्या ऑर्डर होगा और एक तब जब R आपका इथाइल या उससे ऊपर का है तो क्या होगा मिथाइल है तो यार वहां पर हिंड्रेंस कम होता है और साथ में प्लस इफेक्ट भी इसका कम होता है तो टू डिग्री जीतता है टू डिग्री के बाद वन डिग्री उसके बाद डिग्री और यहां पर अगर है तो टू डिग्री तो जीतेगा ही जीतेगा पहले आता है, डिग्री। तो है। आता है 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 फिर तो बेटा चीज आपको जरा मायने रखती समय नहीं है इसके डिटेल्स के अंदर जाओ तुम तो। बस सीधा सीधा याद रखो गैस फेस गैस फेस लिख कर नहीं आएगा अगर एक्वस फेस होगा तो वो लिख कर आएगा तो अगर कोई भी फेस ना लिखा हो तो वो गैस फेस है अगर एक्वस लिख कर आया है, तो समझ जाओ अब एक्वस में तुम्हें ढूंढना है कि मिथाइल का केस है कि का केस है मिथाई का केस है चाहे इथाइल टू डिग्री तो है ही है प्रथम स्थान पे है और अगर मिथाइल है तो वन डिग्री फिर थ्री डिग्री इथाइल है तो थ्री डिग्री फिर वन डिग्री क्लियर है निखिल वाल्मीकि कह रहा है इस केस में एनलिन क्यों नहीं बन सकता एनलिन के लिए यहां पर क्या लेना पड़ेगा आयोडो बंजीन

मोर बेसिक कौन सा है दिस वन और दिस वन जैसे अगर हम इसको वन मान लें इसको टू मान लें तो तुम बताओ कमेंट करो वन ज्यादा बेसिक है कि टू ज्यादा बेसिक है बोलो 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 यस इज मोर बेसिक तो हमेशा याद रखना एल्काई लेमाइंस आर मोर बेसिक देन एरेलेमाइंस मतलब एनलिन क्योंकि यहाँ पर ये डीलोकलाइज हो रहे हैं एंड ड्यू टू डी लोकलाइजेशन लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन ड्यू टू डीलोकलाइजेशन डी लोकलाइजेशन लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन जबकि एल्काइल में कुछ भी ऐसा नहीं है प्लस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर हाईली अवेलेबल है यस बात करते हैं अगर दोनों तरफ एनेलिनी है दोनों तरफ मान लो ही है एक तरफ ग्रुप लगा है सी एस सी एक ग्रुप लगा है एनओ टू तो ये होता है माइनस आई और माइनस आर ये होता है प्लस आई और प्लस एच तो क्या हुआ ये वाला ज्यादा बेसिक होगा बट ऑवियस की बात है जितना ज्यादा आई इफेक्ट होगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा वो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे जितनी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लोन पेयर डेंसिटी होगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना बेहतरीन तरीके से समझे लाइव इंस्टाग्राम गुम गए बोलो आ गया नेक्स्ट रिएक्शन आती है नेक्स्ट रिएक्शन आती है एसाइलेशन Acylation में ग्रुप का ऐड होता है मतलब एच निकल रहा है और आर डैश सी ओ एन एच आर दिस इज कॉल्ड एसाइलेशन पायरेडीन एक बेस होता है एक्सैन्यूच एक बेस होता है बेस का काम होता है एसिड को निकालना तो ये ऊपर एक जनरल रिएक्शन थी नीचे उसका एग्जाम्पल लिखा है मैंने बोलिए बेटा आ गई क्लियर हो गई अभी देखना सारे पी वाई क्यू इसी सबसे रिलेटेड होंगे इसको फिर से बोलते हैं शॉर्ट एंड बॉमेन रिएक्शन एक शॉर्ट एंड बॉमेंट हम लोगों ने फिनॉल के केस में पढ़ी थी और एक शॉर्ट एंड बॉमेंट हमारी एनोलिन के केस में है दोनों में एक ही कांड होता है कि बेंजोइलेशन होता है बेंजोइल क्लोराइड जब अटैक करता है के प्रेजेंस में एसिड निकलती है और ये चीजें जुड़ जाती हैं इसी को बेंजोइलेशन या शॉर्ट एंड बॉमेन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है आई होप दिस ईज स्टार्टिंग यू सेंस रिएक्शन विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोनस यहां से बेटा कुछ नहीं तुम पानी निकाल दो ये क्या है तुम्हारा बेटा 1 डिग्री अमाइन और अभी कल वाले क्वेश्चन करा था कि 1 डिग्री अमाइन क्या बनाता है एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके r n डबल बॉन्ड ch आर को तो बोलते हैं शिफ्ट बेस क्लियर हो गई बात सर्कल का केमिस्ट्री का टेस्ट अच्छा हुआ 360 वाला वेरी गुड वेरी गुड पायरेडीन क्या होता है पायरेडीन होता है सी फाइव एच फाइव एन इट्स अ बेस कार्बेमीबल फॉर ऑनलीग्री एम आईन यानी फॉर टू डिग्री एंड थ्री डिग्री देखो टू डिग्री थ्री डिग्री आई डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट इसमें होता क्या है कि जो आर एन एस टू है ये कन्वर्ट हो जाता है आर एन N... अरे 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 ज्यादा लाइने बन गई आर एन सी में और ये जो आर होता है ये आइजोसाइनाइट होता है इसीलिए उसको आइजोसाइनाइट टेस्ट कहते हैं और बेटा आइजोसाइनाइट जब भी बनते हैं तो उसमें फाउल स्मेल होती है इसीलिए टेस्ट का रूप में आ रहा है ये अच्छा ये बताओ इससे पहले हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस का प्रेजेंस किस रिएक्शन में पड़ा है सी एच सी एल थ्री और के ओ एच या एनएच और किस रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ी है साइलिसलल्डिहाइड नहीं रिएक्शन का नाम बताओ राइमर टीमन रिएक्शन वेरी गुड निखिल राइमर टीमन रिएक्शन में साइलिसलल्डिहाइड बनता था नेक्स्ट है रिएक्शन विद निट्रस एसिड ये क्या है ये डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन में क्या बनता है सबसे पहले n2+cl- यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अगर फर्दर तुम हाइड्रोलिसिस करते हो या तुम इसको हीट करते हो तब वो कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में लेकिन एलिफेटिक में अगर तुम ऐसा करोगे तो एलिफेटिक में आर एन टू प्लस सी एल माइनस जो बनता है ये हाईली अनस्टेबल होता है ये फिर भी स्टेबल है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ठीक है हीट करने के बाद फिनॉल बनता है लेकिन ये तो बनता ही है, न, highly unstable है। तो ये तो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है और आर ओ एच दे देता है ये डिफरेंस है बेटा में 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 और में। में जो है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है लेकिन एलिफेटिक में ग्रुप उसको बनते ही वो निकल जाता है और आर ओ एच बन जाता है ठीक है अगर हम निट्रस एसिड की रिएक्शन वन डिग्री एमाइन के साथ कराते हैं तो हमारे साथ ये होता है टू डिग्री अमाइन के साथ कराते हैं तो हमको येलो ऑयल मिलता है इसको लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कहते हैं NCRD में इसको एक लाइन के टू डिग्री एम आइन टू डिग्री एम आइन येलो ऑयल टेस्ट देता है लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट लिवरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक्सिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहला केस आता है अगर हम बात करते हैं कि हमने एनलिन लिया है और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आप ये देखोगे कि ऑर्थो पैरा सारी पोजीशंस में आपको बी जुड़ता हुआ दिखाई देगा ठीक है रीजन चाहे देखो बेटा बेंजीन के ऊपर ओ हो चाहे बेंजीन के ऊपर एनएच हो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही टूपी और वह जब कार्बन के बेंजीन के जो कार्बन है कार्बन क्या है ओवरलैपिंग तो ये, ये तीनों ऑर्थोपैरापोजिशन को हाईली एक्टिवेट कर देते हैं टूवर्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफाइल उनके पास नाचता हुआ आता है गाता हुआ आता है तीनों के तीनों इलेक्ट्रोफाइल इस तरह डराते हुए जुड़ जाते हैं पर तुम अगर चाहते हो कि नहीं हमको सिर्फ ऑर्थो चाहिए या सिर्फ पैरा चाहिए तो हमको पहले इसका प्रोटेक्शन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग जो एनिलीन लेते हैं एनिलीन के रिएक्शन हम लोग पहले CH3 COCl के साथ करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन यानी कि बेस HCl निकलता है और आपको कुछ इस प्रकार और ये NH2 है HCl निकलता है और NHCO CH3 यहां पे प्रोटेक्शन होता है इसको क्या कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनिलिन क्योंकि इसका लोन पेयर अब नीचे ही नहीं बल्कि अब इसके साथ रेजोनेंस में भी है और फिर हम मौका देखकर यहां पर ब्रोमिनेशन करा देते हैं जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होता है बेटा जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है बेटा वो ऑर्थो और, और पैरा पे नहीं ऑर्थो पे तो माइनर है पैरा पे मेजर प्रोडक्ट बनता है बना लिया उसके बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर से हमारा सी एस थ्री सीओ एच निकल जाता है और हमको एनिलीन दोबारा मिल जाता है तो प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन इंश्योर्स स्ट्रॉग अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू दी ऑर्थ एंड पैरापोजिशन को रोक देता है कहता है रुको जरा सबर करो नाइट्रेशन में क्या होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाइट्रेशन ऑफ एनलिन अंडर द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर एंड कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री ऑलवेज गिव यू वॉट थ्री प्रोडक्ट तीन प्रोडक्ट देता है बेटा एनएच टू हालांकि लेकिन यहां पर मामला बिगड़ता हुआ दिखाई देता है यहाँ पे मैटा भी बनता है और मैटा का अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा परसेंटेज होता है जैसे अगर ये हम 51 परसेंट मान लें ये 47 परसेंट होता और ये टू परसेंट होता है तो क्वेश्चन काफी बार नीड में पूछा गया है जेई में पूछा गया है कि यार ये इतना अनएक्सपेक्टेड मेटा प्रोडक्ट क्यों आ रहा है जबकि एनलिन तो प्लस आर इफेक्ट दिखाता है क्योंकि लोन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है अब अगर और तो पैरा डायरेक्टिंग है सर ड्रॉपर पाठशाला का कोर्स करवा दीजिए एडवांस के लिए चाहिए <laughs> रे यार लग रही है क्लास शेड्यूल होने वाला है परेशान ना और कोर्स करवाया हुआ है एडवांस की क्लास करवा दिए ये बोलो मिलूंगा तेरे से। तो मेटा क्यों बना है उसके पीछे कारण ये होता है कि जो एनेलिन जब इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड कंडीशंस के अंदर जाता है तो उसको सामना करना पड़ता है H+ का अब ये बेचारा देखो है तो यार बेस ही ना कब तक अपने आप को रोकेगा ये H+ से टकराता है और NH3+ में कन्वर्ट हो जाता है NH3+ का मतलब हो गया ये बन गया तुम्हारा एनेलिनियम आयन और इसी एनेलिनियम आयन की वजह से मेटा प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलता है और फिर आप चाहते हो कि ये मेटा प्रोडक्ट ना मिले तो फिर आप इसकी प्रोटेक्शन कराते हो और प्रोटेक्शन कराने के बाद चीजें सारी आसान हो जाती है बोलो आसान है याद आया यहां तक की सारी बातें याद है यहां तक की सारी बातें समझ में आ रही हैं एक बार वोट करके बताओ वेरी गुड नेक्स्ट आता है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होता है कि आप एनलिन लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर के प्रेजेंस में एसओ थ्री एच नीचे जुड़ जाता है लेकिन यहां पे ज्विटराइन फॉर्मेशन होता है ठीक है एसिड के पास टेंडेंसी है H प्लस देने की बेस के पास टेंडेंसी है H प्लस लेने की इट रिजल्ट इन टू डाइपोलर आयन विच इज कॉल्ड कॉल्डर आयन क्राफ्ट रिएक्शन नॉट पॉसिबल होती है इस केस के लिए क्योंकि एनलिन जब एल सी एल थ्री के साथ मिलता है तो एनलिन होता है एक बेस ए एल सी एल थ्री होती है एक एसिड एसिड और बेस आपस में मिलकर बनाते हैं सॉल्ट इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसिलेशन इज नॉट पॉसिबल इन दी केस ऑफ एनलिन हिंसबर्ग मेथड हिंसबर्ग मेथड क्या रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि हिंसबर्ग रिएक्शन का फॉर्मूला बताओ तो बेंजीन के साथ एसओ टू के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां से सी और यहां से एच निकलेगा आपके पास कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा एसओ टू एन एच एक मिनट एस ओ टू ये सी एल निकल गया तो बचा हाँ एन एच आर और ये वाली जो चीज होती है बेटा ये सोल्यूबल होती है एन में या एलिकली सोल्यूशन में क्योंकि यहां पर एक एसिडिक हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है लेकिन अगर यही चीज हम टू डिग्री एम के साथ करेंगे तो यहां से एच और सी जब निकल जाएगा तो आप साक्षात देख पा रहे हो कि नाइट्रोजन के पास वो हाइड्रोजन नहीं है यानी कि किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन ना होने के कारण ये वाली चीज होती है इनसॉल्यूबल इन दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वन डिग्री एंड टू डिग्री एमाइन टेस्ट थ्री डिग्री एमाइन यहां पर कोई रिएक्शन नहीं दिखा पाता है क्योंकि यहां पर कोई एच ही नहीं होता है तो एस सी एल रिमूव ही नहीं होता है तो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री एम इसको अगर डिफ्रेंसिएट कर रहा है तो यू कैन यूज द हिंसबर्ग टेस्ट यू कैन ऑल्सो यूज द कार्बिल अमीन रिएक्शन जो कि सिर्फ वन डिग्री एम दिखलाता है टू डिग्री और थ्री डिग्री नहीं दिखलाता है नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन में ये होता है इलेक्ट्रोफाइल ये होता है सीधा एनएच जो कि प्लस आर इफेक्ट दिखलाता है और ऑर्थो पे भी जुड़ता है पैरा पे भी जुड़ता है लेकिन पैरा वाला जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है बिकॉज ऑफ द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस ये रहा आपका प्रोडक्ट याद करो जो फिनॉल था तो फिनॉल के केस में जो पीएच था वो आठ से नौ होता है यहाँ पे जो पीएच है वो थोड़ा स्लाइटली एसिडिक मीडियम है यानी कि चार से पाँच फिनॉल के केस में जो तुम्हारी कपलिंग रिएक्शन की डाई बनती थी वो ऑरेंज डाई होती थी लेकिन ये जो बनती है वो बनती है येलो डाई आई होप एनसीआर से पूरा अमाइंस खत्म हो चुका है हाँ या ना बोलो उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सब में थर्टी सेकेंड्स का स्लॉट दिया जाएगा आंसर बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन एज द मेजर प्रोडक्ट सबका आंसर डी 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 आ रहा है तो भैया डी इज द राइट आंसर देखो सी एस थ्री सीओ एन एस टू एल फोर रिडक्शन ऑफ वन डिग्री एम आई अभी हमने तुमको पढ़ाया था सी एस थ्री सी टू एन एस टू देगा वन डिग्री एम आई ने ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है जहां से सीओ ग्रुप हट जाता है और सी एस थ्री डिग्री एम आई ने यानी कि रिडक्शन के बाद हाइड्रोलिसिस हो रहा है फिर से एक तरीके से सी एच थ्री एच टू एन एच टू ही टू डिग्री अमाइन देगा यानी कि सी एच थ्री एन एच सी एच थ्री क्योंकि माइंड दे रहा है इसलिए आपका वो आंसर डी जो है सही है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नीट 2023 यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है एक बार फिर से इसको ध्यान से करिएगा सबसे पहले सी यू टू बी आर टू एच बी आर के साथ रिएक्शन करानी है फिर एम जी बी आर के साथ रिएक्शन करानी है फिर हाइड्रोलिसिस करना है ओके, ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है सबसे पहले आपका ब्रोमो बन रहा है, फिर के साथ हो रही है तो एम जी बी आर बन रहा है एम जी बी आर के बाद पानी के साथ रिएक्शन हो रही है पार्शियल नेगेटिव है पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव है ये पार्शियल नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव के साथ जाएगा बेंजी बनाएगा और बेंजी बनाने के बाद एम जी बी आर ओ एच तो करेक्ट आंसर इज सी अब कहीं ने बी भी, भी मार्क कर दिया होगा यार नहीं सी मार्क किया वेरी गुड तो बेंजी इसका सही आंसर है नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 45 सेकंड्स ले लो लेकिन क्वेश्चन का आंसर सही देना With HNO2 to give और फिर क्या प्राइमरी एरोक्ट विद एच एन ओ टू फॉर्म डायजोनियम सोल्टेबल इवन अब थ्री हंड्रेड कैलवे दूसरा फॉल्स है तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट स्टेटमेंट टू इज इन करेक्ट बेटा एक बात सुनो जो डाइजोनियम सोल्ट बनते हैं तुम्हारे वो 273 से 278 सेवनटी तक ही रहते हैं जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस मतलब 273 सेवन थ्री से टू सेवन एटिन तीन सौ कैल्विन तीन सौ कैलविन क्या है ऊपर ले जाओगे तो ये चीज टूटकर कर फिनॉल दे देगी तो पहला सही है दूसरा गलत है ये बात समझो तुम ध्यान से भाई स्टेटमेंट बेस में तुम लोग इतनी गलती क्यों करते हो ये अनस्टेबल है माना लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है तो करेक्ट आंसर इसका डी हुआ ना खेल लियो खेला खेल दिया भाई हमने तो अच्छा हमने क्या नीट ने खेला खेल दिया डी तो किसी का सही नहीं है <laughs> गजब अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ एल आई एच फोर के साथ रिएक्शन हो रही है तो पहले सी एस टू एन एस टू बन जाएगा सी एस टू एन एस टू के बाद एस टू यानी कि सी एस टू ओ एच तो करेक्ट आंसर इसे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से ए को टिक करो स्टॉप पोल करो व्यू रिजल्ट करो सेवेंटी फाइव परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये है क्वेश्चन हिंसबर्ग रिएजेंट को लेकर अब बताओ यार the that will react with the creation, कि कहा है यारे एन एच टू होगा सॉरी तो आंसर बी है ए क्यों मार्क कर रहे हो यार क्या बात कर रहे हो भाई टू डिग्री एम आईन एसोल्यूबल कहा होता है अलकली में अभी रिवाइज करा के ला रहा हूं तब भी नहीं समझ में आ रहा क्या किया जाए बताओ जीवन में तुम्हारे साथ अभी समझा के आ रहा हूं देखो एनेक्शन कराया बी बना और फिर ऐसा क्या रिएजेंट डालेंगे जो हमको यहाँ पर हाइड्रोजन मिल जाए इस रिएक्शन को डियामिनेशन कहते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है डियामिनेशन में क्या होता है आप दो चीजें लेते हो एक लेते हो एच थ्री हीट या आप ये ले सकते हो सी टू एच फाइव ओ एच हीट इन दोनों में से कोई भी एक चीज लेते हो तो एन टू सी एल एच आ जाता है तो करेक्ट आंसर इसका इथेनॉल है नीट दो हजार बीस का यह सवाल है तीस सेकेंड का स्लॉट काफी ज्यादा ही है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कार्बिल एमाइन टेस्ट अभी मैंने तुमको पढ़ाया कार्बिल एमाइन टेस्ट सिर्फ वन डिग्री एमाइन देता है ये देखो टू डिग्री एमाइन है ये देखो टू डिग्री एमाइन है ये देखो थ्री डिग्री एम आइन है और ये वन डिग्री एमाइन है करेक्ट आंसर डी है तो ज्यादा टाइम तो लगना भी नहीं चाहिए गुड प्रज्ञा क्या बात है छे में चार में संकेत सात में छे वेरी गुड नेक्स्ट देखो 2020 का सवाल है अगर आप प्रोपेनामाइड यानी कि सी एच थ्री सी एच टू सीओ एन एच टू की रिएक्शन एनएनॉलिक सोलूशन ऑफ एन यानी कि एल्कोहलिक एन एच और बी आर टू यानी कि एनएच प्लस बी आर टू यार ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है तो इथाइलेमाइन करेक्ट आंसर डी है सही तब का नेक्स्ट उड़ीसा 2019 का यह सवाल है कह रहा है टू डिग्री इनसोल्यूबल देता है two degree insoluble देता है। ये समय वन डिग्री है यह क्या है थ्री है। क्या है? डिग्री है ये क्या है टू डिग्री है ये क्या है वन डिग्री है करेक्ट आंसर कौन सा है बी है मानते हो कि नहीं मानते हो सिर्फ डिग्री पहचान नहीं थी भाई तुमको और कुछ नहीं करना देखो फिर से गलत कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दो उन्नीस का सवाल है एक्सोल्यूशन पर बोल रहा है तुम आंसर देना तो चूंकि बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है मिथाइल की पूछ रहा है एक्वस में पूछ रहा है टू डिग्री वन डिग्री थ्री डिग्री तो ए इज द राइट आंसर यहां पे थ्री 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 वन कुछ भी नहीं सब बेकार है नाइट्रेशन ऑफ एनलिन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिवस एम नाइट्रोम एनलिन बिकॉज हेलो हाय म्यूजिकल मनीष आई मिस यू टू फ्रॉम मालदा पाषाला अभी मैंने ये समझा कर आया हूँ कि एसिडिक मीडियम में एनलिन और बेस और एसिड के बीच में टाका भिड़ता है सॉल्ट बन जाता है एनलिन आयन बन जाता है जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है जिसकी वजह से आपको मेटा 47 परसेंट मिलता है नीट 2017 का ये सवाल है विच ऑफ तो द फॉलोइंग रिएक्शन इज एप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो तो हम आपके लिए लिख देते हैं कि सी एच थ्री सी ओ एन एच टू में ऐसा क्या डाले सी एच थ्री एन एच टू बन जाए बोले तो सी ओ गायब ग्रुप गायब हो रहा है यानी कि हैप्पी बर्थडे टू यू हो रहा है करेक्ट आंसर ए हो रहा है यार क्या करते हो यारेब्रियमाइट क्यों डाल रहे हो भाई ऐसा ना करो ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा काम नीट 2016 का यह सवाल है question है। एराइल अमीन आर जनरली लेस बेसिक देन एलकाइल अमीन बिकॉज नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज दूसरा कह रहा है मोर बेसिक कतई नहीं अभी करवा कर आ रहा हूं ये सवाल एल्काइल अमीन में प्लस इफेक्ट होता है नाइट्रोजन के ऊपर तो समझ में आ जाना चाहिए कि राइट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट है मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ऐसा कौन सा तरीका है इनमें से जिसमें एनिलीन नहीं बनाया जा सकता है आइसोसाइनाइड है, है. तो पहले ये एन एच टू सी एच थी हाँ दे देगा ये ये बिल्कुल दे, दे देगा फिनाइल आइजोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर आइजो एसिडिक सोल्यूशन में डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड ये हॉफ माइंड डिग्रेडेशन हो रहा है रिडक्शन हो रहा है नाइट्रोबेंजीन का एनेस्टू दे रहा है और ये रहा गैब्रियल यानी कि ये थे नहीं दे सकता अभी लिखवा के आ रहा हूं बेटा डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड इधर आओ जरा बेंजामाइड क्या हो गया ये डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन कि हॉफमैन ब्रोमाइड की बात कर रहा है ओ बी आर के प्रेजेंस में यानी कि एन एच प्लस बी आर टू तो भाई सी ओ ग्रुप गायब हो जाएगा और आपको एनलिन नहीं दिखाई दे रहा क्या और यहां पर जब ये हाइड्रोलिसिस होगा ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर एनएच टू आ जाएगा ये नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन है O2 हट के H2 आ जाएगा लेकिन देखो ये क्या है पोटेशियम सोल्ट ऑफ कि वो इसकी बात कर रहा है ना गेवरियल थैलामाइड सिंथेसिस की ये पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैली ये देखो अब इसमें कहा कंफ्यूजन था जाओ तुम लोग लड़खड़ा गए पता नहीं लिख रहे हैं पर पता नहीं क्यों कैच नहीं करता ये YouTube बहुत देर में आंसर जाता है अच्छा ओके ठीक है कोई बात नहीं आराम से इस क्वेश्चन को देख लो हम आराम से इस पोल को दबाते हैं आराम से थर्टी सेकंड्स को लेते हैं और इसको नीचे कर देते हैं PDC है एनलिन के साथ रिएक्शन है येलो डाई है बस येलो डाई का आपको करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है मेरे हिसाब से ए नहीं बी नहीं सी नहीं डी बिल्कुल सही जवाब ऑर्थो तो वाला हो सकता है लेकिन मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा होगा शायद या मेजर बताना चाहिए हम लोगों को ऑर्थो तो बी वाला भी हो सकता है लेकिन डी वाला मेजर है वो बताएंगे हम लोग आप सही है भाई कर्नाटका नीट 2013 सम रिएक्शंस ऑफ एमाइंस आर गिवन व्हिच वन इज नॉट करेक्ट डीएससी एन एच2 की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड के साथ करा रहे हैं ये रिएक्शन सही है क्योंकि एक कैच और सीएल हटकर प्रोडक्ट बना रहा है एच एन ओ टू के साथ कराते हैं तो ओ OH एच मिल जाता है टू डिग्री एनलिन की रिएक्शन जब करा रहे हैं एच ओ एन ओ के साथ तो हमें बी डी सी मिल रहा है ठीक है और टू डिग्री एम आई की रिएक्शन जब हम एच ओ एन ओ के साथ करा रहे हैं तो ये लिवरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन टेस्ट अभी दिखलाए थे हम ए और बी में आ रहा है थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को मेरे हिसाब से ये लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में देखो यही होता है कि टू डिग्री एम आईन होता है एच ओ एन ओ के साथ रिएक्शन होती है और एन सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ मिलता है इस चीज का अगर आप नजर ध्यान रखते हैं देखो तभी हमने टू डिग्री की रिएक्शन बताई है ये क्या है अच्छा ये तो थ्री डिग्री एम आईन सॉरी और ये क्या है टू डिग्री एम आईन तो टू डिग्री एम आईन की रिएक्शन एन सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ येलो ऑयल देता है लेकिन थ्री डिग्री नहीं देता है थ्री डिग्री नहीं रिएक्ट करेगा नहीं बनाएगा तो जो हमें इनकरेक्ट बतानी है वो है करेक्ट आंसर इज बी सत्यानाश खत्म हो गया खेल एक फिर से देखो थ्री का होल स्क्वायर एनएच अब अब आप यहां पर आओ जरा अब आप यहां पर आओ जरा तुम पहले हमको बता देना तब हम आगे बढ़ेंगे ठीक है ना ये देखो रिएक्शन विद एसिड है यही वो टू डिग्री एम आइन है एच ओ एन ओ है क्या दे रहा है देखो देखो क्या दे रहा है देख लिया ये वन डिग्री था ये टू डिग्री था थ्री डिग्री नहीं देता है लेकिन वहाँ बी ऑप्शन में थ्री डिग्री कह रहा है देता है समझ गए डिफरेंस समझ गए अंतर पहचानिए फिर से इस क्वेश्चन को देखो टू डिग्री है थ्री डिग्री है वन डिग्री एल्कोहल देता है समझ में आ गया ये तो रिएजेंट है रिएक्शन देता है समझ में आ गया टू डिग्री येलो ऑयल दे रहा है समझ में आ गया थ्री डिग्री नहीं देता है ये इनकरेक्ट है नीट 2016 का ये क्वेश्चन है NO2 टू का NO2 टू ही रहा है बी आर का बी आर ही रहा है एन टू सी एल घुस गया है वो किसकी वजह से घुसता है अभी हमने लिख कर दिखाया था एस थ्री टू या इथेनॉल बी इज द राइट आंसर कह रहा है नाइट्रोबेंजीन और रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड एच एन थ्री और एच ओ फोर अब ये क्या है नाइट्रेशन हो रहा है एक तरीके का एनओ टू प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोबेंजीन पे टकराएगा फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट तो यह नाइट्रोबेंजीन एक तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो ये मेटा पे एनओ टू को बुलाएगा यानी कि वन टू थ्री वन कॉमर थ्री डाई नाइट्रोबेंजिन बन जाएगा करेक्ट आंसर ए होगा सही है ए आई पी एम टी दो हजार बारह कह रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड सी थ्री एच नाइन एन यानी कि सी एच थ्री एच टू टी एच टू एन एच टू ये ए है वेन ट्रीटेड विद द दूट्रस एसिड गिवस एन एल्कोहल एंड एन टू गैसेज इवॉल्व यानी कि जब हम एच ओ एन ओ के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच देता है और एन गैस इवॉल्व होती है बात तो सही कह रहा है ए को जब सी एस सी एल और कास्टिक पोटैश के साथ करते हैं रिएक्ट तो इट गिव्स C सी एच सी एल थ्री विद एल्कोहलिक क्यू एच कार्बिल रिएक्शन कह रहा है ये तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन सी और फिर जब इसका रिडक्शन करते हैं तो आइसोप्रोपाइल मिलता है बिल्कुल सही कह रहा है टू डिग्री एम आइन सब कुछ तो उसने कह ही दिया ये कहना क्या चाह रहा है समझ में आ ही गया था जबरदस्ती इतनी मेथड मेहनत क्यों कराई इसने हमको ये क्यों ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने एक बात सुनो मेरे भाई एक बात सुनो ये सी एच सी एल थ्री के साथ जो रिएक्शन हो रही है जो कार्बिल अमीन रिएक्शन हो रही है ये कार्बिल अमीन रिएक्शन सिर्फ वन डिग्री एम दिखलाता है ये स्टेटमेंट पढ़कर समझ में आ नहीं रहा कि जो ए है वो वन डिग्री एम होना चाहिए बताओ भाई तो क्यों तुम टू डिग्री और थ्री डिग्री में भटक रहे हो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देख रहे हैं तो ये टू डिग्री एम है ये वन डिग्री एम है ये टू डिग्री एम है ये थ्री डिग्री एम है अब वो कह रहा है ए ऑन वार्मिंग कॉस्टिक पोटैश अभी देखो जरा हमने तुम बात है ना आज बहुत गलत कर रहे हो भाई आज बहुत गलतियां कर रहे हो या तो एमाइंस तुम लोगों ने सही से तैयार किया नहीं है कहा गया ये कार्बिल अमीन टेस्ट मिल जाओ टेस्ट हाजिर अमीन टेस्ट कार्बिल अमीन टेस्ट हाजिर हो बेजती मत करवाओ जल्दी आ जाओ ये रहा टू डिग्री थ्री डिग्री डू नॉट टू डिस्टेस वन क्लोरोफॉर्म एंड अच्छा प्रज्ञा कह रही है कि सर एक और ऑप्शन है जो वन डिग्री है आओ जरा क्वेश्चन पे वापस आते हैं जो प्रज्ञा बहन जी जो हैं ये वन डिग्री अच्छा हाँ ये भी बात सही है ये वन डिग्री है ये वन डिग्री है सॉरी 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 तो कहने का तात्पर्य है कि आपने आंसर ए क्यों नहीं लिया आंसर डी क्यों लिया ये देखो भाई निट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो आपको एल्कोहल दे रहा है एंड एंडू गैस इज रिवॉल्व और फिर ए की जब रिएक्शन हमारी सी एस सी एल थी कॉस्टिकिव्स गिव्स प्रोफाइल मिथेला एमाइन तो अगर तुम यहाँ पर ये मानकर चलती कि ए तुम्हारा आंसर है तो तुम मुझको ये बताओ कि जब हम इसका वो करेंगे रिडक्शन जब रिडक्शन करेंगे तो सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ओ माई गॉड मेरे हिसाब से शायद ये प्रज्ञा बहन जी ज्यादा सही बोल रही हैं ये गलती से मार्क हो गया दिस इज सॉरी फ्रॉम माई साइड ए इज द राइट आंसर ठीक 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 है ठीक है ठीक है जीत गए जीत गए तुम लोग जीत गए तुम लोग जीत गए तुम लोग जीत गए ठीक ठीक है वाले में आइजो प्रोफाइल मिथाइल अमीन नहीं मिल रहा है वहां पे आपको सिंपल एन प्रोफाइल मिल रहा है बिल्कुल सही बिल्कुल सही ए ए आंसर सही है जो भी पचास प्रतिशत बच्चों ने सही मार्क किया है मेरी तरफ से गलती हो गई जल्दबाजी हो गई मैं इसको टू डिग्री समझ रहा था इसको बोलते हैं हाईली पोपट हो जाना चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ इन सेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड गिव अ प्रोडक्ट डी आइडेंटिफाई डी एस सी एल टू के साथ रिएक्शन कराएंगे ओ OH एच हटेगा सी एल आएगा एन एच थ्री के साथ रिएक्शन कराएंगे सी एल हटेगा एन एच टू आएगा फिर एन एच और मेरे हिसाब से यहाँ पर एक और चीज होनी चाहिए थी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन में फिर से गड़बड़ी आ गई है यहाँ पे एन एच के साथ बी आर टू होना चाहिए ऑफम ब्रोमाइड डिग्रेडेशन लगेगा सीओ ग्रुप गायब हो जाएगा एन टू बच जाएगा आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा तुम लोगों ने क्या मार्क कर दिया है तुम भी बेटा बहुत खतरनाक आदमी हो कुछ नहीं आया तो चलो भाई कुछ तो वहां कर ही देते हैं Which ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट फिनाइल के बाद एल्काइल एमोनियम सॉल्ट और ये सीधा बीडीसी है मेरे हिसाब से मोस्ट स्टेबल यही होता है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है और कहीं पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिख नहीं रही है तो करेक्ट आंसर इज बी ये सही था कपलिंग रिएक्शन पे क्वेश्चन है वो कह रहा है कोई रेड आयो रेड डाई बन रही है पहले यहां पे बी बनेगा बी के साथ रिएक्शन किसकी हो रही है देखो आपको यह सोचना है यहाँ पर जो BDC बन रही है उसकी जो रिएक्शन हो रही है वो एनलिन के साथ नहीं अब एन सी एच थ्री सी एच थ्री के साथ हो रही है इट हार्डली मैटर्स क्योंकि ज्यादा है और पैरा ही बनेगा मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर ए है तो बीसवे संकेत का उन्नीस में अठारह है सत्रह में सोलह सुभाष्री गिरी श्री आई और गिरी वेरी गुड प्रज्ञा के अठारह में से पंद्रह है ठीक है एकाध क्वेश्चन और करते हैं ये तो इजी है इजी पीजी क्वेश्चन है चलो करो मार्क्स गेन फटाफट अब जहाँ देखो 2010 शुरू हो जाता है वहाँ से क्वेश्चंस का लेवल बेकार हो जाता है वो 19 बीस इक्कीस सत्रह सोलह पंद्रह ये अच्छे क्वेश्चंस थे अब यहाँ सब देखो इजी ईजीसी दिख रहा है कि एसीटामाई सी एस टी सी ओ एन एस टू मिथाइलेमाइन यानी कि सी एस टी एन एस टू में कैसे कन्वर्ट होगा जब हम उसमें यानी ओस उस बी आर टू डालेंगे यानी कि हॉफ मैं माई डिग्रेडेशन तो यहाँ से फिर सवाल की जो वो है ना लेवल वो बहुत तगड़ा सा गिर जाता है कोई अच्छा ही सवाल होगा तो करते हैं हम लोग अब ये क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं एक बार दोबारा पूछते हैं तुम लोगों से दो तो हजार दस में की प्राइमरी अमीन के रिगार्डिंग कौन सा फॉल है फॉल्स है है तो कह रहा रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस एल्कोहल ये बात भी सही है प्रोड्यूस प्रोड और एल्काइल अमीन आर देन अमोनिया ये बात सही है हाँ ये बात गलत है क्योंकि तो देखो एराइल अमीन जो होता है एराइल अमीन का मतलब वो एनलिन की बात कर रहा है मेरे हिसाब से ठीक है निट्रस एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है यानी कि एच ओ एन के साथ जब रिएक्ट करता है तो पहले वो बी डी सी बनाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और उसके बाद जब तुम इसको हीट करते हो तो वो भले फिनॉल दे दे तो मोस्ट इनकरेक्ट ऑप्शन तो हमको सी ही दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को क्या लग रहा है तुम को भी यही लग रहा है बहुत बढ़िया चलो इस क्वेश्चन को करते हैं बेंजीन के साथ एन एस टू सी एस थ्री है आपकी रिएक्शन यहाँ पे एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ हो रही है एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ हो रही है तो आप समझ लो यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाएगा एनएच सी थ्री अब ऑलरेडी यहाँ पर पैरा पे सी तो थ्री है ब्रोमिनेशन होगा तो ऑर्थो पे ब्रोमीन आ जाएगा और फिर जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये हट जाएगा और एन एच टू लग जाएगा तो बेंजीन फिर एनएच टू फिर बी आर फिर सी थ्री करेक्ट आंसर इज डी तुम लोग के हिसाब से क्या है अरे वाह यार तुम लोग तो बहुत समझदार बच्चे हो गए हो देखो क्या है एलिल के रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो बीडीसी बनेगा फिर सी यू सी एन तो यानी कि साइनाइड आ जाएगा एच टू निकिल देखो मैं कर देता हूं यहाँ पे करेंगे तो एन टू प्लस सी एल माइनस आ जाएगा ये हट जाएगा तो साइनाइड आ जाएगा रिडक्शन होगा तो सी एच टू एन एच टू बनेगा फिर सी एच टू ओ एच आ जाएगा तो बेंजीन के साथ सी एच टू ओ एच कहाँ दिख रहा है डी एक नंबर बाईस में इक्कीस इक्कीस में बीस बाईस में उन्नीस प्रज्ञा के तीन गलत हो गए

मिथाइल एनलिन है ना ये सिर्फ मिथाइल एनालिन होता ये तो गलत कर दिया तुम लोगों ने चलो एक बार इसकी एन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं एच थ्री सी टू आई एन ए सी एन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा सबसे पहले ये बताओ जल्दी बताओ क्या बनाएगा टी एच थ्री एच टू एन अब साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ओइक एसिड देता है लेकिन जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है वो देता है बच्चों एमाइड और एमाइड की यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा तो बनेगा सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन का सी तुम लोग बताओगे चलो देखते हैं क्या कहते हैं बच्चे एन टू सी एल हटेगा कम्प्लीट तो सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच आएगा पार्शियल नहीं लिखा तो कंप्लीट ही करेंगे फिर एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे हीट साइन होना चाहिए था बनाएगा बनाएगा एमाइड सी ओ एन एच टू नेक्स्ट क्वेश्चन का सी बताइए प्यार है तो पहले क्या आएगा चीएच थ्री चीएच टू सीएन एलआईएच फोर रिडक्शन करेगा कर देगा चीएच थ्री चीएच टू चीएच टू एनएच टू और फिर एचवनों के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा प्रोपाइल अल्कोहल मानते हो कि नहीं चलो फोर्थ वाला बताइए फोर्थ वाले का सी आंसर कौन दे रहा है फोर्थ वाले का सी आंसर प्रज्ञा फिनॉल कह रही है एनओ टू एफ एस सी एल तो बेटा ये सी सिक्स एच फाइव एन एच टू बनेगा पहले फिर डायसटाइजेशन रिएक्शन हो गई तो सी सिक्स एच फाइव n2+cl- बन गया बेटा और फिर जब हाइड्रोलिसिस हो गया या हीट कर दिया तो c6h5oh यस फिनोल इज द राइट आंसर मेरे हिसाब से इसी में आप देख पा रहे हो कि सारी एमाइंस की रिएक्शंस हैं मोनोसैनी भी सही बोले फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन देता है c क्या आएगा nh3 के साथ हीट है तो ये हो जाएगा ch3co CH3, nh2

फिर जब एच एन ओ टू टू सेवेंटी थ्री तो फिर से ये बी डी सी बनेगा और फिर फिनॉल कर देंगे तो ये देखो कपलिंग हो रही है कपलिंग करने से कौन सी डाई बनेगी येलो डाई की ऑरेंज डाई ऑरेंज डाई बनेगी फिनॉल का केस है ना तो ये जो प्रोडक्ट है वो इस प्रकार बनेगा द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही लत धड़ क्वेश्चन है प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन इंस्ट्री ऑन दी नाइट्रोजन आइटम दे आर बाई इंक्रीजिंग देशिक स्ट्रेंथ यहाँ पर माइनस आई और माइनस आर है अभी ये करवाया है मैंने यहाँ पे प्लस आई और प्लस एच है ये फिर ये फिर ये यानी कि थ्री वन टू यानी कि करेक्ट आंसर इज डी द गैस इवॉल्वेन मिथाइल रिएक्ट विद न्यूट्रस एसिड ये देखो ये है मिथाइल मिथाइलाइन और ये है एच ओ एन ओ सी एस मिलता है एन टू गैस होता है और वाटर होता है करेक्ट आंसर बी है अरे यार हद हो गई मतलब है इसको भी तुम लोग बना दिए नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, द स्पीसीज व्हिच इनिशिएट्स द रिएक्शन इज नाइट्रेशन किसकी वजह से होता है NO2+ ओ टू इज इंटेड फोर्टी फाइव सेकेंड्स का पोल है यहां पर आप ये ऑप्शन देख लो इसका करेक्ट आंसर यहाँ लिखा है ए थ्री ए टू ए थ्री ए फाइव देख लो मैं तो कहता हूं कि सीधा सीधा चेक करो ऑफपैंड ब्रोवामाइट डिग्रेडेशन कौन दिखलाता है हैं यहाँ पर सीधा एनलिन होगा अच्छा 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 ऐसा इसका आंसर वन है ठीक है rx+kcn तो rcn हो जाएगा यानी कि a का 2 है ठीक है ch3cn ch3ch2nsh2 हो जाएगा यानी कि इसका रिडक्शन यानी कि इसका 4 है कार्बिल अमीन रिएक्शन rnsh2 का हो जाएगा rn c कहां लिखा है ये rn c होना चाहिए मेरे हिसाब से एक ऑप्शन इसका गड़बड़ है ये rn c होगा और फिर बचा हुआ ये ईस्टर हो जाएगा तो ए का टू है बी का थ्री है सी का फोर है ए का टू है बी का थ्री है सी का फोर है बी आंसर हो जाएगा तुम लोग को इसका ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा होगा मैं समझ रहा हूं लेकिन तुम लोगों ने मार्क कर दिया बहुत खतरनाक हो यार बताओ ज्यादा पोल दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टेन एन कार्विलअमीन रिएक्शन कार्विलअमीन रिएक्शन करते दौरान

Cl का इससे करेंगे तो ये आएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एन कैटालिटिक हाइड्रो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है ना तो रिडक्शन हो रहा है ये दे देगा सी एच टू एनएच टू और फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब करेंगे तो ये क्या देगा यहां से बेसिकली क्या होता है सी एस थ्री सी ओ एच निकल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ बेस और एनएच सीओ सी एस थ्री मिलता है एसिटन एल एनिलाइड एनिलाइड ठीक है सर वो ऑप्टेंड पूछ रहा है ना तो इथेना माइंड बेटा इस क्वेश्चन में ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपटेड इन कार्बिल अमीन रिएक्शन तो मिलता तो आइजोसाइनाइड है वो ऑप्शन था नहीं तो हमने वन डिग्री अमाइन पे ही टिक कर दिया बताओ वो ऑप्शन ही नहीं दिया इन्होंने हम समझ रहे हैं आप जो कह रहे हो लेकिन आप ये भी समझो जो हम कह रहे हैं क्योंकि जब आप ये नहीं समझोगे कि हम क्या कह रहे हैं तो आप ये कैसे समझ जाओगे कि आप क्या समझ रहे हो मेरी बात समझ रहे हो आप <laughs> पॉजिटिव कार्बिलीन टेस्ट इज नॉट गिवेन बायलिन ये नहीं देगा एन मिथाइल ओ मिथाइल एनलिन ये दे देगा कुछ भी हो एन पैरा मिथाइल ये दे देगा ये नहीं देगा इज द राइट आंसर यार ओरे नॉट गिवेन लिखा था यार बेनजाइलामाइन क्या हो गया थाइल तो ये तो दे रहा है ना एनलिन तो दे रहा है ना ये नहीं दे रहा है नहीं पूछा था यार छब्बीस में चौबीस सत्ताईस में तेईस प्रज्ञा दूसरे नंबर पे आ गई मतलब है लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इज वर रियजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन डिग्री टू डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री वन डिग्री थ्री डिग्री ऑल ऑफ दीज कम कमॉन कमॉन राइट आंसर इज डी अरे वाह सबका सही है क्योंकि वन डिग्री में जब वो बनता है तो इन सोल्यूबन होता है टू डिग्री में इन होता है और थ्री डिग्री में तो रिएक्ट ही नहीं होता है टाटा बाय बाय टेक केयर दिस माइट बी लास्ट लाइव लेक्चर हो सकता है बायो मॉलिक्यूल का मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दू आपको और हो सकता है लाइव आ जाऊं तो ऑल द बेस्ट पढ़ते रहिएगा नीट के दौरान आपको कौन सी 10 से 11 मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी है उसकी एक वीडियो इसी चैनल पे आई है उसको देख लीजिएगा क्या क्या बच्चा इस समय सोच रहा है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं प्लीज उसको नीट एग्जाम से पहले ही देख लेना है ठीक है एंड ट्राई टू क्लियर द नीट एग्जामिनेशन इसी बार ठीक है अब की बार नीट पार तो टाटा बाय बाय टेक केयर दिस इज सागर बजाती साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस ऑल द बेस्ट पढ़ते रहिए